आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गैज मैं बात करने वाला हूँ माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। और इस वीडियो में गैज मैं बात करने वाला हूँ कि माई 11 सर्कल एप्लीकेशन में KYC गैज यहाँ पे डिलीट कैसे करेंगे। जो गैज आपने माई 11 सर्कल में KYC करके रखा हुआ है, उस KYC को डिलीट कैसे करेंगे जानेंगे इस वीडियो में गैज। यहाँ पे KYC डिलीट करने का पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो गैज यहाँ पे आधार कार्ड, मेरा तो पैन कार्ड डिलीट नहीं हो रहा है, मैं अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को चेंज करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में गैज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि माई 11 सर्कल एप्लीकेशन में अपने KYC को कैसे डिलीट कर सकते हैं। गैज यहाँ पे KYC को डिलीट करने का क्या है पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गैज यहाँ पे देखेंगे, मैंने गैज यहाँ पे माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। माई 11 सर्कल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। और गैज आपको लेफ्ट साइड के ऊपर में गैज यहाँ पे देखेंगे आपको तीन लाइन दिखेगा। सिंपल यहाँ पे तीन लाइन के ऑप्शन पे जाएंगे और तीन लाइन के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अकाउंट डिटेल। सिंपल गैज यहाँ पे अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे दिखेगा माई अकाउंट। और सिंपल गैज यहाँ पे माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे और माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई है, मेरा गैज यहाँ पे मेरा पैन कार्ड गैज यहाँ पे मेरा आधार कार्ड मेरा यहाँ पे वेरीफाई है, मेरा गैज यहाँ पे आपको यूजर नेम दिखेगा, यहाँ पे गैज मेरा पैन कार्ड वेरीफाई है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई है। इसमें गैज आप चाहे तो गैज यहाँ पे आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन गैज यहाँ पे आप लोग को अपना KYC डिलीट करना है, यानी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को डिलीट करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माई 11 सर्कल एप्लीकेशन में आधार कार्ड और पैन कार्ड गैज यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन गैज यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो गैज यहाँ पे आप लोग अपने माई 11 सर्कल में अपने KYC को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो अब गैज यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे गैज ये तो मुझे भी मालूम था इसका क्या है और गैज क्या ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं कि अगर गैज आपको माई 11 सर्कल में KYC डिलीट करना ही है तो इसका गैज एक यहाँ पे प्रोसेस है। उसके लिए गैज आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा जिसका नाम है हेल्प एंड सपोर्ट। सिंपल गैज यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे गैज आपको देखने को मिलेगा गैज यहाँ पे आपको माई 11 सर्कल का गैज यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट। और यहाँ पे गैज आपको क्या करना है गैज यहाँ पे माई 11 सर्कल है गैज यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट से बात करना है। यहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन आ चुका है, सिंपल इस पर टैप करेंगे और इस पर जाकर गैज यहाँ पे माई 11 सर्कल के गैज यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे। कस्टमर सपोर्ट से बात करने के बाद उनको कहेंगे कि मैं अपने KYC को डिलीट करना चाहता हूं, तो कंपनी वाले गैज यहाँ पे खुद बताएंगे कि आप अपने KYC को डिलीट कर पाएंगे या अपने KYC को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो गैज यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गैज यहाँ पे आपको प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि माई 11 सर्कल में अपना KYC को कैसे डिलीट करेंगे। वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।